अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड आई होप आप सब खैरियत से हैं गाइस। तो राइट नाउ मैं अभी मौजूद था इधर निर्माणा नया पार्क ओपन हुआ है, काला पार्क, वहाँ पे मैं मौजूद था एंड मैं कुछ फ्रेंड्स से मिलने आया था। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम एंड दे टोल्ड मी जस्ट आई एम ऑन माई वे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग वगैरह बना दूँ। और राइट गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग अज़रबैजान या किसी भी कंट्री में अब्रॉड जाना चाहते हैं अपने कंट्री को छोड़ के, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। सो देखें, एक तो अपने माइंड में आप बात रख लीजिए, कोई भी जब भी वो किसी भी कंट्री में जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो मतलब किसी अच्छे कंट्री में जाए और वहाँ पर वो सेटल हो और अपनी लाइफ जो है बनाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे एंड अपना फ्यूचर बनाए। ये हर बंदे का गोल होता है, मोस्टली हमारे जो एशियंस हैं उनका भी, और वैसे भी जो दूसरे कंट्रीज से होते हैं तो वो भी, हर बंदे का लाइफ का गोल होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। तो देखें, आप इस चीज़ से ज़रा फोकस कीजिएगा। आप अगर कहीं पर भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तो आपको स्ट्रगल चाहिए होती है, ठीक है। तो वाई वी चूज़ अज़रबैजान एंड वाई आई सजेस्ट यू अज़रबैजान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अज़रबैजान, एक तो ये है कि ये अगर आप देखा जाए इनके कल्चर के लिहाज से और दूसरे बाकी ये मुस्लिम कंट्रीज़ में भी आता है एंड रशिया की ये स्टेट रह चुका है और अभी ये जो है अपना एक आज़ाद मुल्क है एंड यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो अज़रबैजानी लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी लोगों को समझ आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती, बट दे अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड सम पीपल, उनको आती है लेकिन वो जानबूझ के बोलते नहीं हैं। अज़रबैजान में जो है सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड जिसमें आप अगर किसी गल्फ कंट्री में रहते हैं, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत प्यारी जगह है। तो वाई वी चूज़ अज़रबैजान, जिससे कि हम इस तरह आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि अज़रबैजान में तो ये है कि यहाँ की करेंसी बहुत अच्छी है, स्टेबल करेंसी है एंड पाकिस्तानी वो बनते हैं 164 मनात बनते हैं, मतलब एक मनात यहाँ का पाकिस्तानी रुपीस में 164 बनता है, जो कि इट्स अ गुड मनी, बेटर देन गल्फ कंट्रीज़। तो अज़रबैजान में अगर आप आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या वर्क है, इन दोनों वीज़ों पर, तो यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक इफ़ आई से गल्फ कंट्रीज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। वो किस तरह अच्छा है कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है एंड लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, जो कि मेरा पर्सनल जो इनसे एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई नो यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बैरियर है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को लैंग्वेज वगैरह नहीं आती, तो उनके लिए काफ़ी जो है ना डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उन्हें। और आज जो मतलब जो मेरे दिल में बात थी, मैंने कहा वो मैं करता चलूँ। देखिए, आप किसी भी कंट्री में अगर जाना चाहते हैं ना, तो आपको कहीं ना किसी कंट्री से स्टार्ट करना पड़ता है। देखें, सबको अगर हम देखा जाए तो सब इंसान अमीर नहीं है, सब लोग जो हैं वेल सेटल नहीं हैं, इवन इंक्लूडेड मी, जो है मैं भी कोई इतना अमीर इंसान नहीं हूँ। इस तरह हर हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको स्टार्ट तो करना होता है। तो अज़रबैजान में अगर आप आते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, 6 लाख 6.5 लाख रुपये आपको स्टूडेंट ERC सब चीज़ें आपको साल का मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी चीप, जो कि इन द स्टार्ट, जो आपको इन अ सेंस में बोलूँ तो स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत सस्ता कंट्री है। इसमें यह है कि एक तो ई वीज़ा है यहाँ का, दूसरे किसी कंट्रीज़ में अगर हम जाते हैं तो ई वीज़ा हम पाकिस्तानियों को वो नहीं देते एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट देयर एंड सर्वाइव देयर। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि इनका मतलब लो कॉस्ट है, रहने की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा है और लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ आप कह सकते हैं या गल्फ कंट्रीज से। तो इसके बाद हम इनकम पर भी बात करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे वो आप दुबई से करें, कतर से करें, दूसरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ से स्टार्ट करें, तो क्यों ना हम मतलब एक किसी और कंट्री में जाएं, जैसा कि यह अज़रबैजान है। यहाँ पे एटलीस्ट ये तो है कि
आप लोगों को आबो हवा अच्छी मिलती है, मतलब फ़्रेश है, लोग अच्छे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, चीज़ें सस्ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब आप आते हैं मेहनत तो आपको पूरी दुनिया में जाके करनी पड़ती है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना ही है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ इस तरह नहीं गुजरेगी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि बाकू में आके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे हम आ सकते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। स्टूडेंट वीज़े पे आप आ सकते हैं एंड वर्क वीज़े पे आ सकते हैं अगर आपको मिल जाए, टूरिस्ट पे आप आते हैं एक्सप्लोर के लिए। लेकिन एडजस्टमेंट के लिए हम बात करेंगे आज के, सेटल कैसे होना है। देखें, सेटल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यही हैं कि आपको निकलना, जैसा कि आप पाकिस्तान से निकल आए, आपका स्टूडेंट वीज़े पर आप यहाँ आए, यहाँ पर आके आपने ज़ुबान वगैरह सीखी, और ज़ुबान वगैरह सीखने के बाद आपने प्लान किया कि यार चलो मैं इधर मज़ीद अपना कोई बिज़नेस करता हूँ, या मैं यहाँ पर कोई नौकरी मिल जाती है, या कोई आपको वर्क परमिट दे देता है। तो इस तरह स्लोली स्लोली जो है ना, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। कोई भी इंसान एक महीने में, दो महीने में नहीं बना, उसको टाइम लगा है, चीज़ों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लाइफ सेटल करने में टाइम लगता है। तो इन स्टार्ट यहाँ पे इस कंट्री में अगर आप स्टार्टअप लेते हैं छोटी से कैपिटल से, चाहे वो बिज़नेस है या आप लैंग्वेज पे आते हैं या यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं, तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी चीप, वेरी गुड। एंड आई ऑल्सो प्रेफर के इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, माना कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या बांग्लादेश से हैं, यू वांट टू मूव टू एनी यूरोपियन कंट्री, जैसा कि किसी शेंगेन कंट्री में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो शेंगेन कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले हमारे मुल्कों से ये हमें वीज़ा ही नहीं देते, आपको इस चीज़ पर मेरी बात पर एग्री करना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, अपॉइंटमेंट का इशू होता है, लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। माना कि 25 लाख रुपया किसी शेंगेन कंट्री का पाकिस्तान से कोई ले रहा है, या वो आपको स्टूडेंट वीज़े पे भेज रहा है, तो क्यों ना हम इतने वो हैं कि हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट मारें और हम ज़्यादा से पैसे कमाने लग पड़ें और हमारी लाइफ जल्दी सेटल हो जाए। तो क्यों ना आप 4-5 लाख रुपया लगा के आप इस कंट्री में आएँ, यहाँ पे आके थोड़ी सी चीज़ें सीखें, लाइफ सीखें, लोगों से मिलना सीखें, बातचीत करना सीखें, अपना मतलब ड्रेसिंग सीखें, अपना लाइक मैनर्स सीखें, डिसिप्लिन सीखें, उसके बाद आप जाएं ना। अगर आप माना कि किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसकी अगर सारी कॉस्ट बनती है 25 लाख से 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, तो आप 6 लाख रुपये लगा के इधर आएँ, यहाँ पर साल गुजारें, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हलवाई भी हो जाएगी, थोड़े से आपको स्किल्स भी आप सीख लेंगे, लोगों से मिल लेंगे, आपको थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा चीज़ों का, लोगों का, एरियाज़ का, तो फिर आप जाएं यहाँ से, आगे चले जाएं या पाकिस्तान से चले जाएं, देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन एटलीस्ट आपके जो पैसे हैं ना, वो तो आपके बचे हुए हैं ना। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सब चीज़ों का निचोड़ जो ये है कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर हम पाकिस्तान से ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या किसी और कंट्री से एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि बस मैंने जाना है, मुझे दूसरे दिन काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गाइस, ऐसे नहीं होता, मैं बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ कि आपको टाइम लगेगा चीज़ों को एडजस्ट करने में, अपनी लाइफ बनाने में, ज़ुबान समझने में। तो एज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इफ़ समबडी आस्क्स मी कि अगर कोई बंदा स्टेप लेता है अपने फ्यूचर के लिए और अपनी लाइफस्टाइल के लिए, तो इस अ बेस्ट कंट्री। आई नो इट्स अ लैंग्वेज डिफरेंस हेयर, बट द इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना जो फीडबैक, जो आप कह सकते हैं या पे बैक है, वो आपको ज़रूर मिलता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगा। मैं जब पाकिस्तान में था, लाइक इस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2014 की बात है, तो मैंने जब अपनी FSC की, तो साथ साथ में मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि लाइक कैसे ये मतलब इंश्योरेंस वगैरह होती है, लेकिन मैंने सीखा। मैं अपने, मेरे शूज़ जो है ना, घिस गए थे पूरा साल जो है, चल चल के, लेकिन मैंने एक भी जो है ना इंश्योरेंस नहीं की। तो मेरा मैनेजर थे शाह साहब, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बेटा समी, बात यह है कि माना कि तुमने कभी तक कोई भी एक भी बीमा नहीं किया, एक भी इंश्योरेंस नहीं की, लेकिन ये जो आपने मेहनत की है, इसका जो आपको नतीजा मिलना है ना, वो आगे जा के लाजमी मिलना। तो इन अ सेंस के वो मुझे, जब मैं साइप्रस गया, जब मैं वहाँ पे रहा, जब मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी, अपनी लाइफ एडजस्ट करने की कोशिश की, सब चीज़ें की, तो मुझे वहाँ पे फ़ायदा हुआ, क्योंकि आई वाज रेडी, मैं रेडी था, मुझे जस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए था, मैंने उधर अपना करना था, काम करना था, लाइफ बनानी थी स्लोली स्लोली, तो मेरे लिए वो चीज़ें ईजी हो गई।
अब पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास इन्वायरमेंट ही नहीं है कि हम उस इन्वायरमेंट में रह के चीज़ों को उस नज़रिए से देख सकें जब तक हम अब्रॉड का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो जब से मैं बाहर आया तो मुझे बोलना आ चुका था, मैं चीज़ें मैंने बाहर आके अपने आप को पॉलिश किया। एवरीवन इज़ वेरी गुड, हर बंदे को आता है सब कुछ, हर बंदा कर सकता है, हर बंदे के पास स्किल है, लेकिन वी डोंट हैव एनवायरनमेंट इन और कंट्रीज़ के जिससे वो पॉलिश हो के हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, हम सब के पास डिग्रियां तो उठाई हुई हैं, लेकिन डिग्रियों के अंदर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है जो आप लोगों ने सीखी है अपनी ज़िंदगी में, मतलब वो जो पढ़ा है वो आपकी लाइफ में काम ही नहीं आ रहा। सो पॉइंट इज़ दैट के फोकस ये होना चाहिए हमारा कि जब हम किसी भी कंट्री के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एक तो ये इसका इस कंट्री का जो ये अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप आके अपना ज़ीरो से स्टार्ट करें और साल बाद दो साल बाद आपको जैसे ही टाइम लगता है आप चीज़ों को सीख जाते हैं, जैसे ही आप लर्न कर जाते हैं, देन यू कैन मूव टू एनी अदर कंट्री। देर इज़ नोबडी इज़ फोर्सिंग, नोबडी इज़ लाइक सेइंग कि आप जाओ ना जाओ, बट समवेयर From somewhere you have to start. अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सोचते ही रहेंगे तो आप माना कि किसी बड़े कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं, अगर वहाँ पे यूरोप में भी किसी जगह पे चले गए तो स्टिल वहाँ पे भी आप क्या समझते हैं कि आपको जाके थाली में मिलेगा और थाली में रखा हुआ आएगा, कहेंगे जी आओ जी ये खाओ, आओ जी ये काम करो। तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं होता। अज़रबैजान में भी कि कोई अज़री उधर खड़ा होगा बोलेगा आओ जी समी आओ मैं तुम्हें काम देता हूँ, आओ जी अली मैं तुम्हें काम देता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको उस काबिल बनाना पड़ता है कि अगला बंदा बोले आओ बेटा मैं आपको काम देता हूँ। सो यू हैव टू बी दैट मच कैपेबल, यू मस्ट हैव दैट मच एबिलिटीज़ कि जो अगला बंदा आपको ख़ुद बोले कि भाई आओ मैं तुम्हें काम देता हूँ। तो कहने का मकसद ये, वी ऑल नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, तो वाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री जिससे आपको फ़ायदा भी हो, आपका पैसा भी कम लगे और आपकी ज़िंदगी भी बन जाए। देखें, बनना ना बनना, होना ना होना, इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट इन माय हैंड, एंड इट्स नॉट इन समबडीज एल्स हैंड, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जो आप डिसाइड करते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप अच्छा सोचोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप चाहोगे कि मैं कर सकता हूँ और अपने आप पे फोकस आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ नेवर गिव अप, लाइफ स्टिल गोज ऑन। हर्डल्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, यू हैव टू लाइक हाउ कैन आई से कि आपको उनको फेस करना है। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा, मेरा तो घर में ही है। भाई आपका क्या है, माँ बाप का तो सब कुछ होता है ना, वो तो बच्चे के लिए करते ही करते हैं, लेकिन आपने अपनी फैमिली को क्या देना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जस्ट ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू स्टार्ट फ्राम समवेयर। If you want to start, start from a small country. I'm not like you can say कि मैं sponsor नहीं कर रहा अज़रबैजान को, I'm just saying कि it's a good country to start. ठीक है guys? So आप ज़रूर यहाँ पर कोशिश करें, यहाँ पर आएँ, किसी और कंट्री में जाएँ। And thank you very much again. अगर आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, you can write down me in the comment. So मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा, उस पर मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।